प्रदेश कार्यालय में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत के नेतृत्व में प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश भर में मंडल स्तर पर होने वाले मंडल प्रशिक्षण शिविर की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की। मुख्यतः कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सभी को पार्टी की रीति नीति से परिचित कराया जाएगा। मोर्चा और प्रकोष्ठों के प्रशिक्षण कार्यक्रम से शुरुआत की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि शिविर को लेकर 19 और 20 नवंबर को भोपाल में बैठक आयोजित की जाएगी। वहीं बीजेपी 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे प्रदेश में मंडल स्तर पर आयोजित करेगी। सारे लोग आएंगे। सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। जो लोग सिंधिया जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के इस विचार में, इस नेतृत्व में, इस नीति में जिन्होंने विश्वास किया, वो भाजपा के अब कार्यकर्ता हैं। कोई समर्थक किसी का, भाजपा में कोई किसी का समर्थक नहीं होता है। मेरी दोस्ती लाल सिंह जी से हो सकती है, लेकिन मैं लाल सिंह जी का मैं वो नहीं हूँ, या लाल सिंह जी मेरे वो नहीं हैं। हम दोनों एक विचार के, एक संगठन के कार्यकर्ता हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता होता है, किसी का समर्थक नहीं होता है। तो इसलिए उन सबको भी, जो भी आएंगे, एक क्राइटेरिया में जिनका प्रशिक्षण होना है उसमें वो भी आएंगे। तो मैं उस विचार का व्यक्ति हूँ। मैं छात्र राजनीति में जब काम करता था, तब भी मैं, हमारे जो विपक्ष के लोग होते थे हमारे साथ, मैं उनसे कहता था कि छात्रों के मुद्दे पर हम मुद्दों पर लड़ाई लड़ें। और हम कभी साथ में भी जाते थे। कमलनाथ जी अगर इस भूमिका में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो स्वागत करूंगा कि मध्य प्रदेश में वो अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाएं तो लोकतंत्र मजबूत होगा। बिल्कुल, इस प्रकार के कोई भी चीज़ें जो हुई हैं उन पर सरकार जरूर कार्रवाई करेगी, चाहे मोहंती हो, चाहे कोई भी हो। अगर लोगों ने इस प्रकार की चीज़ें की हैं तो वो नहीं बचेंगे। यही तो शुचिता का शासन है। देखिए, अनुशासन की ट्रेनिंग भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, ये हम प्रयास करते हैं कि किसी प्रकार की ऐसी बातें न हो। लेकिन इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं छोटी मोटी घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन हमारा प्रयास होता है कि ऐसी चीज़ें नहीं हो। व्यक्तित्व विकास ये उसका हिस्सा है। पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट अपना कैसे हो, तो उसमें व्यवहार भी आता है, उसमें अनुशासन भी आता है, सारी चीज़ें आती हैं जिनको हमने सीखा है। तो इसलिए अपने जीवन के अंदर आप कैसे इन चीज़ों का पालन करें कि क्या बोल रहा, डूज एंड डोंट्स जिस शब्द का हम उपयोग करते हैं, है इसके अंदर कि डूज एंड डोंट्स हमारे क्या होंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।